દેશભરમાં છઠ પૂજાની ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે. છઠ પૂજાના મહાપર્વનો આજે અંતિમ દિવસ છે ત્યારે મહિલાઓએ ઉગતા સૂર્યને અર્પણ કર્યું છે અને વહેલી સવારે નદી કિનારે મહિલાઓ એકત્ર થઈ સૂર્યદેવને ફળ સહિત ખાવાની વસ્તુઓ પણ અર્પણ કરી છે. પરિવારજનોની સુરક્ષા સમૃદ્ધિની મહિલાઓએ કામના કરી દેશભરમાં છઠ પૂજા ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી રહી છે. આજે અંતિમ દિવસે ઉગતા સૂર્યને અર્ધ અર્પણ કરવા વિવિધ ઘાટો પર ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી છે. લોકો તેમના પરિવાર સાથે ઘાટ પર પહોંચી ગયા છે અને સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બન્યું છે. ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, हमारे बिहार का, हमारे यूपी का, हमारे समाज का. ये हमारा महापर्व है, इसके लिए हमने एक साल इंतजार करते हैं. ये हमारे लिए एटलीस्ट बहुत सौभाग्य की बात है कि हम छठ पर्व करते हैं. 36 घंटे का निर्जल व्रत के बाद जी है, कैसा अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. ये अनुभव हम चाहते हैं कि जीवन भर रहे हमारे जीवन में. हम लोग के यहाँ वो ये महापर्व मनाया जाता है और 36 घंटे का व्रत रहता है और मैं भी एक व्रती हूँ. हमको बहुत अच्छा लगता है ये पर्व करके और ये हम लोग का मतलब सौभाग्य की बात है कि मतलब हमारे घर हमारे बिहार का ये अच्छा पर्व है. ये छठ पूजा हम लोग को पूर्वजों से होता आ रहा है. हम बिहारियों के लिए छठ पूजा, यूपी बिहार के लिए ये छठ पूजा सबसे महान है. और हम लोग इंडिया के कोई भी कोना में, यूपी बिहार का कोई भी आदमी, इंडिया का कोई भी कोना में हर जगह छठ मनाया जाता है और अच्छे तरीके से मनाया जाता है. हम छठ पूजा अपने महापर्व की छठ पूजा के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और ये भगवान माता सीता ने भगवान राम के लिए ये व्रत रखा था. जब भगवान राम ने अपना श्रीलंका पे विजय प्राप्त करके आए थे तो उस उपलक्ष्य में माता सीता ने ये व्रत रखा था.